हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप मार्केट के जैसा फूला फूला और एकदम सॉफ्ट भटूरा घर पे कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने भटूरा बनाने की बहुत सारी वीडियो देखी होगी और आपने ये भी देखा होगा कि 10 मिनट में भटूरा बन जाता है, लेकिन आपको वो टेस्ट नहीं मिलता जैसा कि मार्केट में रहता है। तो अगर आप इस तरीके से भटूरा बनाएंगे तो आपको बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी भटूरा आपका बनेगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आप बहुत ही आसानी से घर पे भटूरा बना सकते हैं और वो भी एकदम फुला फुला और एकदम सॉफ्ट। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें भटूरा कैसे बनाना है। तो भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, फिर उसमें हम लेंगे 2 कप मैदा, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और उसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच चीनी, चीनी भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हमें लेना है 1 छोटा कप दही। और फ्रेंड्स, अब हाथों को अच्छी तरह से साफ करके हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी और अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। फ्रेंड्स, मैदा भटूरा के लिए जब हम मैदा गूंथते हैं तो वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, भटूरा के लिए मैदा हमेशा सॉफ्ट ही होना चाहिए। उससे क्या होता है कि भटूरा एकदम सॉफ्ट बनता है। अगर आप हार्ड मैदा गूंदेंगे तो वो जब बनाएंगे भटूरा तो वो पूड़ी जैसा लगेगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें एकदम सॉफ्ट मैदा गूंदना है और इस तरह से, और इसको जितना अच्छा, जितना ज़्यादा हम गूंदेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी हमारा भटूरा बनेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैदे को अच्छी तरह से गूंद लें। फ्रेंड्स, इसमें चीनी इसलिए डालते हैं कि चीनी से ये थोड़ा फ्लफी हो जाता है और एकदम इसमें जाली भी अच्छे से पड़ जाती है, तो इसके लिए हमें इसमें चीनी डालना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर हम इसे गूंदेंगे। ऑयल डालने से ये हाथों में चिपकेगा नहीं, जिससे हमें भटूरा बनाना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो और ये देखिए, हमारा मैदा जो रेडी हो गया है, अब हम इसे ढक कर के 3 घंटे के लिए रखेंगे और इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम 3 घंटे के बाद देखेंगे कि हमारा मैदा जो है वो अच्छी तरह से फूल चुका है और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और उसके बाद फिर से इसे हम थोड़ा अच्छी तरह से गूंदेंगे। फ्रेंड्स, मैदा 2-3 घंटे के लिए रखेंगे तभी आपका भटूरा अच्छा बनेगा। अगर आप तुरंत मैदा गूंद के और तुरंत भटूरा बनाएंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको 2 से 3 घंटे के लिए अगर आप रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी लोई बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे और अब दोनों हाथों से हमें इस तरह से घुमाना है और इस तरह से हम घुमाते हुए इसकी लोई बनाएंगे। और ये देखिए, आपको ऐसे हाथों से पकड़ना है और ये आप देख सकते हैं एकदम फुली फुली लोई बनी है। तो हमें भटूरे के लिए ऐसी ही लोई बनानी है। और अब हम भटूरा बेल के और इसको फ्राई करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा भटूरा जो है वो एकदम फुला फुला बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।